सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। लेफ्ट की अगुवाई में 1 लाख से ज्यादा किसानों का मुक्ति मार्च दिल्ली के रामलीला मैदान की ओर बढ़ा। किसान कल संसद का घेराव करेंगे। नोटबंदी के दौरान भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे अरविंद सुब्रमण्यम ने नोटबंदी को मॉनेटरी शॉक बताया। कहा, नोटबंदी से अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लगा। केंद्र सरकार ने यूपीए सरकार के दौरान की जीडीपी ग्रोथ को कम किया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम बोले, संशोधित जीडीपी आंकड़ा एक बहुत ही खराब मजाक। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, नए आंकड़े ज्यादा भरोसेमंद। महाराष्ट्र में मराठाओं को शिक्षा और नौकरी में 16% आरक्षण मिलेगा। विधानसभा में बिल पास हुआ। राजस्थान में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारों को 3,500 रूपए महीना भत्ता देने का वादा। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग खत्म। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब 25 साल से ज्यादा उम्र के कैंडिडेट भी परीक्षा में शामिल होंगे। और हॉकी वर्ल्ड कप में आज अर्जेंटीना, स्पेन और न्यूजीलैंड फ्रांस के बीच मुकाबला।